यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक और फैसला अब चर्चा का विषय बन रहा है। राज्य सरकार का आदेश है कि जब भी कोई सांसद दौरे पर आए तो बाबुओं यानी कि अधिकारियों को खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। जारी सर्कुलर में कहा गया कि जब भी कोई सांसद आता है दौरे पर तो उस समय अधिकारियों को खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। हैरानी की बात है कि उनका ये बयान कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई दौरे पर आए सांसद तो अधिकारियों को उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा अगर सांसद अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आते हैं तो पहले से ही उनके लिए सभी तैयारियों को किया जाए। 2011 में जारी की गई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि कई सांसदों ने उनसे शिकायत की गई है जिसमें कहा गया है कि अधिकारी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जब बीजेपी सरकार ने किसी फैसले की किरकिरी हो रही हो। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने एक आदेश दिया था कि राज्य से आने वाले खिलाड़ियों को विज्ञापनों और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के जरिए कमाई होती है तो उसका 33% हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा करवाना होगा। इस आदेश पर भी खूब बवाल कटा था। तो हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर कुमार रमेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार रमेश, जो हरियाणा सरकार है उसके एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं और फैसलों को लेकर लगातार किरकिरी भी हो रही है और इस बार भी एक अजीबोगरीब फैसला आया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये बताया है कि अब एमएलए और एमपी जब भी आपके पास आए हैं तो आपने उनका सम्मान करना है और खड़े होकर के उनका स्वागत करना है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल में आपको उनको सम्मान देना अति आवश्यक होगा और जाहिर तौर पर इसके पीछे केवल एक ही मंशा लगती है कि सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार के जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं कहते नजर आते होंगे कि शायद उनका स्वागत और उनका अभिनंदन नहीं होता और शायद इसीलिए सरकारों को ये ऑर्डर करने की जरूरत पड़ी। जबकि जो विधायक घनश्याम दास अरोड़ा है वो कहते हैं कि सरकार को इस प्रकार की चिट्ठी जारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो चिट्ठी जारी हुई है उसमें जरूर लगता है कि शायद इस प्रकार का कभी उनको अभिनंदन ना मिला हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने इस आदेशों की तामील करवाने के लिए पत्र जारी करा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। तो जिस प्रकार से हरियाणा सरकार का अब एक और फैसला आया है कि जब भी सांसद आए तो उनका सम्मान के लिए अधिकारियों को खड़ा होना पड़ेगा, उनके सम्मान के लिए क्या कुछ राय रहेगी इस पर आपकी? हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे तो पहले भी अधिकारी सम्मान करते थे, ये और भी अच्छी बात है ये हो जी। और उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि सांसदों की ही शिकायत मिली थी हरियाणा सरकार को कि उनका सम्मान सही तरीके से नहीं किया जाता है। अब ऐसे में अधिकारियों के लिए ये आदेश देना कहां तक सही है? नहीं, अपने तो पहले भी ठीक थे अधिकारी, अब और भी अच्छा है। अच्छा है, सरकार ने अच्छा किया है, हम इसका स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रमेश कौशिक जी जो हमारे साथ सांसद जुड़े थे।